Hello everyone, this is Megha Sinha and welcome back to my channel Megha Art Amour. In my videos, I always educate you with the theoretical aspects of art and culture. If you like these type of videos, then you can share my videos with your family and friends. उन सबको आप शेयर कर सकते हैं जिनको आर्ट एंड कल्चर के बारे में थियोरेटिकल नॉलेज लेना, बेसिक्स थिंग्स जानना अच्छा लगता है. सो गो फॉर इट. इस वीडियो में मैं आपको राजा रवि वर्मा के बारे में सारी डिटेल्स दूंगी, लाइक उनकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई, उनकी पर्सनल लाइफ में क्या क्या इवेंट्स हुए, उनके करियर के बारे में, वो किस स्टाइल में अपनी पेंटिंग बनाते थे, ऑक्यूपेशन उन्होंने क्या फॉलो किया, फाइनली जा कर के उन्होंने कितने अवार्ड्स विन किए हैं, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है टूवर्ड्स सोसाइटी. ये राजा रवि वर्मा का पूरा नाम महाराजा राजश्री रवि वर्मा था. उनका जन्म 29 अप्रैल 1848 में एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में हुआ, मीन्स रॉयल फैमिली में हुआ था, एट किलिमनूर ट्रेवनकोर एट मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट, जो कि आज केरला के नाम से जाना जाता है. उनकी डेथ 2 अक्टूबर 1906 में हुई एट एटिंगल ट्रेवनकोर. उन्हें और भी नामों से जाना जाता है, लाइक कोयली थामपुरन ऑफ किलिमनूर और रवि वर्मा कोयल ऑफ थामपरून. उन्होंने अपनी एजुकेशन यूनिवर्सिटी कॉलेज तिरुवनंतपुरम से ली. उनके फादर एक स्कॉलर थे ऑफ संस्कृत लैंग्वेज एंड आयुर्वेदा और उनकी मदर एक पोएट और राइटर थी. ये स्लाइड में मैंने कुछ नाम मेंशन किए हुए हैं उनके स्पाउस, उनके चिल्ड्रंस के बारे में. उनके नाम थोड़े डिफ़िकल्ट लग रहे थे मुझे प्रोनाउंस करने में, तो मैंने वो बस मेंशन कर दिया कि आप ये देख लो और आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो अपने पास. राजा रवि वर्मा के जो वर्क्स थे वो बेस्ट एग्जांपल्स थे यूरोपियन एकेडमिक आर्ट विद अ प्योरली इंडियन सेंसिबिलिटी एंड आइकनोग्राफी. अब आइकनोग्राफी का मीनिंग होता है, यह हिस्ट्री की एक वो ब्रांच को हम बोल सकते हैं जो कि डिस्क्राइब करते हैं डिफरेंट शेप्स एंड सिंबल्स जिससे हम किसी चीज़ का इंडिकेशन कर सकते थे. और हम अभी भी ऐसे डिफरेंट साइंस एंड सिम्बल्स का यूज़ करते हैं किसी चीज़ को दिखाने के लिए. राजा रवि वर्मा ने अपने करियर मीन्स इन पेंटिंग के करियर के स्टार्टिंग मदुरई पेंटिंग से की. फर्दर उन्होंने ट्रेनिंग ली वाटर कलर में, उसके बाद वो ऑयल कलर में मूव कर गए. तो उन्होंने अपनी बेसिक ट्रेनिंग रामा स्वामी नायडू से ली, जो कि उनके कंटेम्प्रेरी थे और एज उनके गुरु थे. बट धीरे धीरे जैसे राजा रवि वर्मा का इंटरेस्ट ऑयल कलर के प्रति जाने लगा, रामा स्वामी नायडू को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती थी और उनमें एक कंपटीशन की भावना जागने लगी थी. उन्हें इस बात का डर हो गया कि कहीं राजा रवि वर्मा उन्हें ओवरटेक ना कर जाए आर्टिस्टिक फील्ड में. सो उन्होंने उन्हें बहुत डांटा ऑयल कलर करने के लिए और उन्हें अपने जहाँ से वो सिखाते थे वहाँ से उन्हें निकाल दिया बहुत डांट करके. बट नायडू के कुछ ऐसे फॉलोअर्स थे जिन्होंने राजा रवि वर्मा को चोरी छुपे ऑयल पेंटिंग सिखाई और उन्होंने ऑयल पेंटिंग के पैटर्न एंड स्किल्स एंड स्टाइल्स को ही फॉलो करके आगे जा करके अपना नाम बहुत ज़्यादा ऊंचा कर लिया. ऑयल पेंटिंग में मास्टरी की उन्होंने थियोडोर जेंसर के अंडर में रह करके, जो एक पोर्ट्रेटिस्ट थे. इनिशियली ही वॉज नोन फॉर हिज अडोरेबल लिथोग्राफ्स और उनकी पेंटिंग की वजह से ना उनकी रीच और इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़ने लगी अमॉन्ग कॉमन पीपल और एक सोसाइटी में भी वो एक पब्लिक फिगर के रूप में खड़े होने लगे. उनके लिथोग्राफ्स जो थी ना वो कॉमन पीपल में बहुत फेमस तो थी ही और कॉमन पीपल उनसे इंस्पायर भी होते थे और आर्टिस्टिक टेस्ट को वो अडॉप्ट भी कर रहे थे धीरे धीरे. रवि वर्मा उन्हें सलाह देते थे और कॉमन पीपल उन चीज़ को फॉलो करके पेंटिंग आर्ट वर्क्स फॉलो करते थे और भी बहुत कुछ उनसे सीखने को उत्सुक रहते थे. मेनली ही यूज्ड टू डिपिक्ट रिलीजियस पोस्चर्स of God and goddesses in his painting और Indian epics, Purans and poetry से inspire होकर वो बहुत सारी painting बनाते थे. Now the topic comes that what are the features of his works. So the topic of his paintings revolves mainly around Purans and mythological stories in which उन्होंने traditional painting skills और modern painting techniques के blend को बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है. इतने अच्छे से दिखाया हुआ है ना कि डिफरेंट आर्टिस्ट को, डिफरेंट कंट्री के आर्टिस्ट भी जब उनके पेंटिंग्स को देखते थे तो उनके पेंटिंग में ना फॉल्ट्स ढूंढना उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था. वो इतने परफेक्शन से अपनी पेंटिंग को किया करते थे. मेन फोकस तो वो अपने पेंटिंग में साउथ इंडियन वुमेन्स को दिखाते थे, उनकी ब्यूटी उनकी ग्लोरी को शो करते थे और उनके ऑर्नामेंट्स वगैरह से रिलेटेड वो मीन्स फुल
डेकोरेटेड फीमेल बॉडीज बनाते थे। हम सब अवेयर है कास्ट सिस्टम से। पहले के टाइम में क्या होता था, कास्ट सिस्टम प्रिवेल होता था। लोअर कास्ट कम्युनिटी वाले लोगों को टेंपल में जाने की एंट्री नहीं थी, जिसके वजह से वर्मा ने इस बारे में सोचा और उन्होंने क्या किया, अपना एक खुद का प्रिंटिंग प्रेस खोलने का थॉट आया उनके दिमाग में विथ अपने ब्रदर रवि वर्मा के साथ मिल करके। और उन्होंने अपने जितने भी पेंटिंग्स थे, जैसे कि वो गॉड गॉडेसेस की पेंटिंग बनाते थे, वो बनाते थे और उसे प्रिंट करते थे और कॉमन पीपल तक पहुंचाते थे। बिकॉज़ वो जानते थे कि लो कास्ट कम्युनिटी वाले लोग टेंपल में एंट्री नहीं कर सकते, तो उनके फोटोज़, उनके पेंटिंग्स की पिक्चर्स देख करके वो जान सके कि व्हाट इज़ रियली इनसाइड अ टेंपल, हाउ गॉड एंड गॉडेसेस लुक लाइक, उनकी क्या पोस्चर्स होते थे, उनकी अपीयरेंस कैसे थी, और एवरीथिंग अबाउट गॉड एंड गॉडेसेस। प्रिंटिंग प्रेस की स्टार्टिंग उन्होंने की टू मोटिवेट हिम थ्रू आउट हिज लाइफ। वायसराय रॉड कर्जन ने उन्हें ऑनर्ड भी किया केसरे हिंद गोल्ड मेडल से, जो कि 1904 में उन्हें दिया गया था। सो लेट मी टेल यू अबाउट हिज करियर नाउ। सो 1873 में जब वो 25 ईयर्स के थे, तो उन्होंने अपने पेंटिंग्स को एग्जीबिशन लेवल पे ले जाना स्टार्ट किया। उन्होंने इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में भी पार्टिसिपेट किया। वो जहाँ भी जाते थे, उनको कोई भी टॉपिक मिलती थी ना, तो वो उस टॉपिक को नोट डाउन कहीं कर लेते थे अपनी कॉपी या डायरी, कुछ भी वो कैरी करते होंगे उसमें। और वो जब घर आते थे, जब वो पीसफुली बैठते थे, तो उस टॉपिक पर सोचते थे और उससे रिलेटेड अपनी पेंटिंग्स फॉर्म किया करते थे। उन्होंने अपनी पेंटिंग को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ था। पहले तो थी पोर्ट्रेट, सेकेंड वॉज पोर्ट्रेट बेस्ड कॉम्पोजिशन, थर्ड वन वॉज थिएट्रिकल कॉम्पोजिशंस बेस्ड ऑन मिथ एंड लेजेंड्स, और थर्ड वाले फॉर्म पे वो ज़्यादा फोकस करते थे अपनी पेंटिंग्स को बनाने की। हिज लिथोग्राफिक प्रिंटिंग प्रेस। सो द देन दीवान ऑफ ट्रेवेंकोर टी माधवन राव ने उन्हें सजेस्ट किया कि वर्मा अपने ब्रदर के साथ मिलके एक प्रिंटिंग प्रेस अपनी खुद की ओपन कर सकते हैं। उन्होंने मुंबई में इसकी स्टार्टिंग की, जिसे लेटर ऑन उन्होंने लोनावला में शिफ्ट कर लिया। उसमें से टन्स एंड टन्स ऑफ प्रिंटिंग पेपर्स उन्होंने पब्लिश किया और साथ ही साथ हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस की पेंटिंग्स कॉमन पीपल तक पहुंचाई। उन्होंने बहुत सारी चैरिटेबल वर्क्स भी किए। हिज फेमस वर्क्स आर एज फॉलोज। द फर्स्ट वन इज शकुंतला, हंस दमयंती, देयर कम्स पापा, गोल्डन इंटरव्यू, गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियंस, वुमेन होल्डिंग अ फ्रूट, अहल्या, यशोदा कृष्ण, दमयंती, शकुंतला, पत्र लेखन, द मिल्क मेड, लेडी इन मून लाइट, आदि शंकराचार्य, रंभा, वुमेन होल्डिंग अ फैन, इज महारानी लक्ष्मीबाई, विश्वामित्रा, द महारानी ऑफ ट्रेवेंकोर, रिक्लाइनिंग नायर लेडी, महाश्वेता, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, द्रौपदी, सुदेशना, तारा देवी, शकुंतला जन एंड सावित्री, राम पट्टाभिषेक, शकुंतला राइटिंग अ लव लेटर ऑन अ लोटस लीफ, लक्ष्मण शक्ति, किरात बिली, डिसअपॉइंटेड, श्री बालकृष्ण लाल जी, राम वनवास और राम इन एक्साइल, राधा, राधा कृष्ण, हिस्टोरिक मीटिंग एंड द लास्ट वन इज पेंटिंग।